हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं एससीएस टॉपर राहुल डोगरा, जिन्होंने एससीएस 2024 में 95 रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी पूरा एग्जाम के क्रैक करने में। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि इनकी जो जर्नी रही है एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनने की, वो किस टाइप से रही है और क्या चेंजेस आते हैं जब आप एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनते हो, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं पूरा अभिमन्यु टीम के तरफ से राहुल जी का सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इनके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं पूरा अभिमन्यु टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जी, सबसे पहले तो राहुल जी बताइए, आपकी किस टाइप से आपको लग रहा है जैसे सिलेक्शन हुई उसके बाद जो जो लाइफ है उससे में कितना चेंजेस आए हैं, या फिर जब आपने सिलेक्शन मतलब जब अपना रिजल्ट देखा उस टाइम आपने सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? रिजल्ट जब आउट हुआ तो मैं घर पे ही था। मैं ऑफिस से आया था, अपने आ चुका था मैं वापस। तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि मतलब मार्क्स आउट हो गए थे, फ्राइडे को ही आउट हो गए थे। मतलब तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि स्कोर अच्छा है तो चांसेस लग रहे थे सिलेक्शन के। तो बस रिएक्शन ही था कि चाहे एक्सपेक्टेड था फिर भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता कि अरे अच्छा हो गया। तो वो एक एक्साइटमेंट का मोमेंट होता है, एक सेटिस्फैक्शन का मोमेंट होता है। थोड़ा आपको लाइफ में क्लोजर मिल जाता है। आप इतने टाइम से जो आप एक आपने जो एम सेट करा होता है उसमें अगर आप एक स्टेप क्लोजर जाते हो तो एक कहते हैं ना अंत मिल जाता है, बट एक नई बिगनिंग भी होती है। तो इट इज अ बिगनिंग, इट इज द एंड एज वेल एज अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। लाइक जी सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। बाकी हाँ, लाइफ तो चेंज हुई है। आसपास के लोगों का देखने का नजरिया, आसपास के लोग जो आपकी बातों को सुनते थे वो थोड़ा बेटर सुनने लग गए हैं। प्लस आपको एक रिस्पेक्ट से देखने लग गए हैं। एक्सपेक्टेशंस भी ऑब्वियसली बढ़ती हैं कि अब आप सिंसियरली काम करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करके। तो शुरू शुरू में बदलता है, बाकी बाद में लाइफ ही आ जाती है। जाओ काम करो, उठो सो, तो बस बाकी तो सब वैसे ही है जैसे पहले था। राहुल जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हाँ जी, तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हरियाणा में हूँ, अंबाला कैंट में। मेरी मेरा बर्थ हुआ है और अम्बाला कैंट में ही मेरी सारी एजुकेशन राइट फ्रॉम स्कूलिंग टिल ग्रेजुएशन वहीं से हुई है। स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट ऑफ सेक्रेड हार्ट और एसजी स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे अम्बाला में, डीडी पब्लिक स्कूल, वहाँ से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने एसजी कॉलेज अम्बाला कैंट से ही करी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद मेरी 2017 में ग्रेजुएशन पूरी, और उसके बाद 2019 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई कॉमर्स में ही। वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। और ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप कितने दिन से कर रहे थे? मैं 2019 से ही कर रहा हूँ, अब तो दिन तो कम हो गया, साल बेटर होगा। कितने सालों से कर रहा हूँ, तो 4-5 साल तो हो गए हैं अटेम्प्ट देते हुए। पहले यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए मैंने, 4 नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा जॉब की तरफ मैंने सोचना शुरू करा कि 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, कोई जी हाथ में जॉब नहीं है। तो घर वाले भी कह रहे थे कि कुछ देखो जॉब वगैरह। फिर मैंने और एग्जाम्स देने शुरू करे, यूपीएससी मैंने टेम्परेरली होल्ड पे डाल दिया। तो एचसीएस भी मैं 2019 से ही दे रहा हूँ, जब से यूपीएससी दे रहा हूँ। पहले तो मतलब हर साल वैकेंसी नहीं निकलती थी, पिछले 2-3 साल से ही लगातार निकलने लगी है। तो जी तब से मैं एचसीएस भी दे रहा हूँ, यूपीएससी भी दे रहा हूँ। तो फिर मेरी जॉब लग गई, मैंने करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जॉब करी 5.5 महीने। उसके बाद मेरा एसएससी सीजीएल क्लियर कर रखा था, तो उसमें मैं पोस्टल असिस्टेंट था अंबाला में ही, जीपीओ में, जनरल पोस्ट ऑफिस में। तो जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया एचसीएस का, तो मैं पोस्ट ऑफिस में ही जॉब कर रहा था जब प्रीलिम्स मैंने अपीयर करना। जी और ये जो आपने जैसे बताया कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में एससीएस भी दे रहे थे एग्जाम, तो यूपीएससी और एससीएस में आपको कितना मतलब सिमिलैरिटीज मिली और कितना फायदा मिला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे उसके साथ साथ में इसे देने में? इस टाइम पर एचसीएस और यूपीएससी का सिलेबस काफी ज्यादा सिंक कर रहा है। जी
जो पैटर्न फॉलो कर रहा है एचसीएस प्रीलिम्स में, पिछले ये 2023-16 जो अटेम्प्ट था उसका प्रीलिम्स का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न से काफी सिंक करा है। इसमें भी पेयर वाले क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, प्लस सी सेट का डिफिकल्टी लेवल भी बड़ा है एचसीएस में जो पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में। मेंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हिंदी में एचसीएस पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, यहाँ पे मेरिट में भी काउंट होता है। जी, इनफैक्ट लास्ट एचसीएस में मैं हिंदी में ही फेल हो गया था, मैं बहुत सारे लास्ट ईयर एस्पिरेंट्स भी जो इस बार भी सिलेक्शन हुए हैं मेरे साथ, ये दो से तीसरे जो आप बता रहे हो जिनका हिंदी बहुत टफ लगा था कि हिंदी के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ईयर मैंने हिंदी की अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैंने कोर्स लिया था बट मैंने उसको मैनेज नहीं कर पाया मैं इतने अच्छे से, क्योंकि मेरे भी थोड़ा माइंड में था रहे हिंदी आए, घर पे भी हिंदी तो बोलते हैं, कौन सा कोई बाहर की भाषा है, हो जी जाएगा, बट नहीं हुआ। मैं लास्ट ईयर हिंदी में रह गया था। इस साल मैंने हिंदी को स्पेसिफिकली अटेंशन दी जितनी मुझे देनी चाहिए थी, शायद से उतनी अभी भी नहीं दी बट पहले से ज़्यादा दी थी, तो शायद इसीलिए इसलिए क्रैक हो गया। अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, मेरी अच्छा ही फील्ड से जो मैंने करा था। जी, तो यूपीएससी और एचसीएस में वही काफ़ी सिंक आ गया है, ऑप्शनल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑप्शनल में भी। अब ऑप्शनल में एक ही पेपर होता है, एचसीएस के ऑप्शनल में, जी दो यूपीएससी में दो होते हैं, पेपर सेम होते हैं। सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, तो कंपैरेटिवली मैनेज करना थोड़ा इजी है अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं एचसीएस में, क्योंकि तो आपको दो एग्जाम्स अलग अलग इन डेप्थ नहीं करने हैं प्रिपेयर। तो बाकी इंटरव्यू तो अपना रहता ही है, बोर्ड थोड़ा कॉर्डियल होता है, आप जज नहीं कर सकते हैं बोर्ड आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो जी बाकी बोर्ड का ओवरऑल एटमोसफेयर तो काफी वेलकमिंग एंड कॉर्डियल रहा। अगर हम लोग ऑप्शनल की बात करें, जैसे आपने बताया कि अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को जैसे ये जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है और ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? हाँ, ऑप्शनल जो मेरा है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ जीएस जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ही आउट ऑफ द सिंक है, यूजली एस्पिरेंट्स को या फिर आसपास के लोगों को नहीं पता होता कि अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स में हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, अच्छा जो कि GS 4 से थोड़ा सिंक कर जाता है, अच्छा बिकॉज हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, मोटिवेशन एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स एथिक्स पढ़ते हैं, तो एथिक्स में जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाता है, जी तो यूपीएससी से सिंक करता है, बट एचसीएस में तो GS 4 है ही नहीं हमारा, तो जी वहाँ पर रह जाता है। बाकी जो हमारा अकाउंटेंसी वाला पार्ट है उसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, हम लेबर लॉस पढ़ते हैं, तो इट कैन समहाउ हेल्प यू इन इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ GS 3 और एचसीएस में भी आपको। इनफैक्ट WTO से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे जी इंटरव्यू के टाइम पर, जो हमारा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन दोनों में कहीं ना कहीं सिंक करता है। WTO हम स्पेसिफिकली पढ़ते भी हैं GS 3 में यूपीएससी के, तो 90% सिंक नहीं करता है बट 10% सिंक करता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज जो बाकी एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। यूजली उन्हें लगता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बिल्कुल एक एलियन फील्ड है, बट हाँ इस ऑप्शन का सिलेबस काफी वास्ट है, मतलब कि बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। जब मैं हम अपने अपने स्टडी ग्रुप्स में डिस्कस भी करता था जी तो मेरे फ्रेंड्स कहते भी थे कि ये ऑप्शनल की जगह PhD की पढ़ाई ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे पास इतनी बुक्स होती थी मेरे टेबल पे, 9-10 किताबें खोल के बैठा होता था जब भी मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन करता था। तो हाँ थोड़ा वास्ट है बट मुझे इनफैक्ट ऑप्शनल प्रिपरेशन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई, क्योंकि मेरा वो फील्ड थी, मैंने +1 +2 में पढ़ा, ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा, पोस्ट ग्रेज में पढ़ा, मैंने UGC नेट भी क्वालिफाई करा हुआ है जी असिस्टेंट प्रोफेसर का अपनी ही फील्ड में, तो जी 8-9 साल मैंने पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन करने से पहले अभी, तो बेस बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट यस, आप GS जब करते हो तो आप इतना टाइम नहीं दे पाते हो, कुछ ऐसे कंसेप्ट ऐसे जो मुझे ग्रेजुएशन में भी दिक्कत देते थे वो ऑप्शनल में फिर से आ गए, तो उनको मुझे टाइम देना पड़ता था, जैसे कि जो टैक्सेशन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतना नहीं है, मैं ग्रेजुएशन में भी उससे बचता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बचता था, बट यहाँ पर मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मैं उसे नहीं बच सकता था,
उनको मैनेज करने के लिए मैंने क्लासेस ली थी, ऑप्शनल थी अपनी, दिल्ली से एक इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने। जी तो मैंने PYQ सॉल्व करे UPSC और HCS के ऑप्शन के, तो उसने कहीं ना कहीं मेरे को काफी बड़ा एज दिया HCS के ऑप्शन के प्रिपरेशन। जितना मैंने अपने ऑप्शन में रियलाइज करा है, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अदर ऑप्शन, बट आप PYQ सॉल्व करते हैं ऑप्शन के, UPSC एज वेल एज HCS के, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि वॉट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एक्चुअल पेपर ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन। और अगर हम लोग आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस टाइप से की थी आपने? आंसर राइटिंग का, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। शुरू शुरू में हमारा मेरा एक ग्रुप था 3 फ्रेंड्स का, उसमें से एक इस टाइम पे सिलेक्टेड भी है UPSC में, कॉर्पोरेट एंड लीगल सर्विसेज में है। तो हम बैठ के आंसर्स लिखते थे रोज, डेली आंसर राइटिंग करते थे हम। वो हमने 6 7 महीने करा, तो हमने अराउंड 1000 आंसर्स लिखे थे उस टाइम पर, ये 2020 और 21 की बात है। फिर उसके बाद हम इवैल्यूएट एक दूसरे का ही करते थे, कभी हमने ऐसे कुछ प्रोफेशनली किसी से इवैल्यूएट नहीं कराया, हम पीयर रिव्यू पे ज़्यादा अटेंशन देते थे। फिर जी उसके बाद मेरा जो बाद में सर्कल बना, तब भी हम थोड़े थोड़े आंसर्स लिखते थे। फिर हमने PYQ सॉल्व करने शुरू करे, तो मतलब मेरा मेजरली 90% आई वुड से पीयर रिव्यू पे रहा है इवैल्यूएशन आंसर्स का। वी वुड सॉल्व जो ऑनलाइन फ्री होते थे पोर्टल पे, उस टाइम पे हमारे पास नौकरी नहीं थी, तो हम थोड़ा सस्ता टिकाऊ जरिया ढूंढते थे तैयारी करने का, कि जहाँ से जो फ्री में मिल जाए चलेगा। तो फिर उसके बाद हमने PYQ सॉल्व करे जो पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है, हम जी कंपेयर टॉपर्स की आंसर से अपने आंसर्स को इवेल्युएट करते करना। हैं। जी। फिर इसी बीच मेरी जॉब में चला गया मैं, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था प्रिपरेशन को अपनी। मेरे मतलब शुरू से मेरा था कि मुझे प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है चाहे जॉब लग भी जाए, बट एक बार जब जॉब में चले जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हो, जो आपने प्लान आउट करा होता है वो उतना नहीं मटेरियलाइज हो पाता जितना आपने पहले सोचा था। जब बिल्कुल मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मैं काफ़ी था कि भाई इतने आवर्स देने हैं प्रिपरेशन को, जो मर्जी हो जाए, जॉब में ऐसे करना है वैसे करना है, बट वेन यू गेट इन टू दैट सिस्टम वेयर यू हैव टू वर्क 9 to 6 every day, तो आप थक जाते हो, आप ऑफिस का भी थोड़ा काम लेके, चाहे आप घर ना लेके, बट मेंटली आप उस जोन में रहते हो कि आपको ऑफिस जाना है, ये करना है। तो मेरा प्रिपरेशन थोड़ा छूट गया था टच, वो मेरे को था जब मेरा HCS ये लास्ट ईयर भी कंप्लीट, मतलब मैंने जब क्वालिफाई करा जिस HCS में मैं मेंस नहीं कर पाया, तब मैंने टेस्ट सीरीज ली थी एक इंस्टीट्यूट से आंसर राइटिंग के लिए। तो मैं टेस्ट अपने देता था वहाँ पे, बट अब मैंने हिंदी पे इतना ध्यान नहीं दिया तो मैं हिंदी में रह गया। इस साल भी जब मेरा रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तब मैंने इनका वही एक और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और मैंने उसमें टेस्ट लिखता था मैं इवेल्युएट, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली किसी टीचर से इवेल्युएट कराए थे इस टाइम पर, नहीं तो इससे पहले मैं पीयर इवेल्युएशन पे ही चलता था। तो मैंने ज़्यादा टेस्ट भी मैं नहीं लिख पाया क्योंकि तो मेरी जॉब थी, मैं सुबह उठता था ऑफिस जाने से पहले, 10 क्वेश्चन सुबह लिखता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर शाम को आके बाकी के 10 क्वेश्चन लिखता था, फिर उन्हें स्कैन करता था, फिर अपलोड करता था। तो मैंने ऐसे जगल करा है अपनी प्रिपरेशन को अपने जॉब के साथ। फिर उसके बाद ऑप्शनल के नोट्स भी मेरे जो टॉपर्स के नोट्स थे मैं उनको स्टडी करता था। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं कंसेप्ट को फिर से इतने कम टाइम, क्योंकि वी जस्ट हैड 1 month, प्रीलिम्स जी और मेंस जी के बीच में सिर्फ एक जी महीने बिल्कुल, का गैप, बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम था। इवन बिल्कुल मेंस के इंटरव्यू के लिए भी बहुत कम टाइम रहता है। बिल्कुल, सो बहुत सडन हो रहा था सब कुछ, ऊपर से जॉब भी था। तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि मेंस के प्रिपरेशन के बीच में आई हैड टू स्विच जॉब्स, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, राइट नाउ आई वर्क एज अ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब मैंने प्रिलिम्स और मेंस के जो बीच का गैप, तो उस टाइम में मेरे को जॉब भी स्विच करना पड़ गया, मेरी वहां पर भी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मेरा सिस्टम एकदम से पूरा हिल चुका था कि मुझे स्विच भी करना है जॉब, मुझे मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, तो मुझे अम्बाला से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा ओवरनाइट, एंड तो बहुत बहुत हेक्टिक था वो सब कुछ। तो मैं टेस्ट भी सारे नहीं लिख पाया जो मैंने प्लान आउट करे थे, तो
बट आई वुड से कि मेंस में मैं PYQs पे ज्यादा मैंने फोकस करा क्योंकि टाइम कम था, प्लस जो मुझे फीडबैक मिलता था आई वुड रियली यू नो थिंक अबाउट इट एंड गो फॉर इट। जितना टाइम मैं टेस्ट लिखने में लगाता था उतना ही मैं टेस्ट को फीडबैक को समझने में लगाता था। बिल्कुल आई वुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन ऑन क्वांटिटी कि चलो अगर 2-3 टेस्ट कम भी लिखे हैं कोई बात नहीं, बट जो फीडबैक मिल रहा है उसको मैं अच्छे से, अगर आगे के मॉक में नहीं एटलीस्ट एक्चुअल मेंस में उस पर काम करता हूँ। क्योंकि तो मेरा हिंदी में बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है, मैं मॉक्स में भी बॉर्डर पर ही पास होता था जो मैंने हिंदी के मॉक्स लगाए थे। तो जी मैं तो बस ये था कि एग्जाम में एक्चुअल में हो जाऊं चाहे बॉर्डर पर हूँ बट हो जाऊं, इस बार ही ना रहूं बट इस बार ही मेरा स्कोर थोड़ा डिसेंट रहा हिंदी में भी, बॉर्डर से ऊपर ही क्लियर हुआ है। तो वहां पर भी यही था, मैं उतने टेस्ट नहीं लगा पाया जितने मैंने लगाने चाहिए थे। मैंने हिंदी की क्लासेस भी ली बट वो भी मैं उतनी नहीं लगा पाया जितनी मुझे लगानी थी। हर जगह में थोड़ा थोड़ा ही चलता रहा क्योंकि मेरे को टाइम का बहुत बड़ा क्रंच था। तो बस मेरा मेंस में यही रहेगा आंसर राइटिंग का कि आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप मॉक्स लगाएं, अगर आप मॉक्स नहीं लगा रहे हैं तो PYQ स्टडी करें, और अगर आप मॉक्स लगा रहे हैं तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन द फीडबैक। जो फीडबैक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप शायद से उसको अंडर एस्टिमेट कर दें या फिर आप सोचें कि भी नहीं मेरे को मॉक्स लगाने हैं, जितने मैं मॉक्स लगा सकता हूँ मैं लगाऊं, बट उन मॉक्स को लगाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप फीडबैक पे काम नहीं करते। पर्सनली मैं डेटा कोट करने में थोड़ा वीक हूँ अपने मेन आंसर्स में, आई एम नॉट वेरी गुड एट रिकॉलिंग फैक्ट्स। ये मेरा इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी मॉक में भी, आई कुड नॉट रेडली यू नो रिकॉल फैक्ट्स की भी इसका कितना परसेंटेज है, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी रेशियो है। आई एम नॉट वेरी गुड एट रिकॉलिंग डेटा, तो मुझे ये फीडबैक मेरे मेन्स में भी मिला था कि वर्क ऑन योर डेटा, एंड मुझे ये फीडबैक मॉक्स में भी मिला था कि वर्क ऑन योर डेटा, एंड वो मेरे को इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हुआ। देयर वर क्वेश्चंस वन और टू व्हिच फोकस्ड ऑन वेरी फैक्चुअल थिंग्स, सो मैं उतने अच्छे से आंसर नहीं कर पाया बट आई वाज एबल टू परफॉर्म बेटर देन आई डिड इन माय मेंस एज वेल एज मॉक। तो वही बात आ जाती है घूम फिर के कि फीडबैक पर बहुत जरूरी है काम। और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से की थी? क्योंकि आपको, आपने जैसे बताया अभी भी कि टाइम बहुत कम था। मेरे लिए टाइम शुरू से कम रहा है मुझे पता नहीं क्यों कोई भी फेज हो, तो जब ऐसे इसका रिजल्ट आउट हुआ था तो इंटरव्यू में काफी कम दिन थे, तो ऊपर से यहाँ पे कोर्ट में भी काफी जोर शोर से काम तो चलता ही रहता है कोर्ट्स में, तो जी मेरी यहाँ पे नई नई ज्वाइनिंग थी तो यहाँ पर भी मेरे को काम सीखने में टाइम लग रहा था। अभी भी मेरा ट्रेनिंग चल ही रहा है यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर मुझे भी ध्यान देना था, प्लस दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज अपेयरिंग फॉर एनी UPSC मॉक। जी मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था मतलब, बट वो सुप्रीम कोर्ट का था, बट सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया लाइफ में, तो एक वो थोड़ा डर था मन में कि पता नहीं कैसा होता है क्या होता है। उसके लिए मैंने तो सबसे पहले आते ही देखा कि ऑफलाइन मुझे मॉक कहाँ मिल सकता, एक्चुअल में मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ सो मुझे एक्सेसिबिलिटी का इशू शुरू से ही रहा है कि मुझे एक्सेसिबल इंस्टीट्यूट नहीं मिलते हैं। तो मैंने सबसे पहले आते ही देखा कि दिल्ली के आसपास मुझे एक्सेसिबल इंस्टीट्यूट मॉक के लिए कहाँ मिल सकता है, तो बट मुझे उसके ऊपर कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला यहाँ पर। तो पहले तो आई डोंट नो वाई मॉक नहीं करा रहे थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरा 14 जून को एक्चुअल इंटरव्यू था और 16 जून को UPSC का प्रीलिम्स था, तो जी शायद से इसलिए सारे इंस्टीट्यूट उसने बिजी थे या फिर वो कराते ही नहीं, तो अपनी प्रिपरेशन मुझे नहीं पता, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी इंस्टीट्यूट दिल्ली के आसपास। मैंने फरीदाबाद गुड़गांव दिल्ली हर जगह सर्च करा बट मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कराया, इसमें से एक मैंने अभिमन्यु आई पे भी रजिस्टर कराया था, मैंने 2-4 जगह रजिस्टर कराया। उसके बाद मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला जो ऑफलाइन करा रहा था, उन इंस्टीट्यूट से जिनसे मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैं उनके इंस्टीट्यूट गया ऑफलाइन। 3 घंटे दूर था मेरे यहाँ से,
रिडेंस से, बट मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 3 घंटे ट्रैवल कर लेते हैं, देखी जाए। फिर मैंने वहां पे जाकर ऑफलाइन लगाया, आपके इंस्टीट्यूट पे मैंने ऑनलाइन मॉक्स लगाए, मैंने एक दो इंस्टीट्यूट और पे ऑनलाइन मॉक लगाए। एक वो कुछ स्टडी मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे, जो मैंने फॉलो करा। मैं मेरी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैवलिंग में भी रहा है, क्योंकि मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ा है, चाहे दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से यहाँ। तो मैं वीडियोस लगा के, एयरपोर्ट लगा के भी वीडियो सुनता था पूरे रास्ते में, क्योंकि ये 6 6 घंटे ट्रैवल करना होता था। तो वहां पर अब कुछ ना करना ही था पढ़ाई को लेके, तो मैं वहां पे ईयरपॉड्स लगा के जितना भी मुझे सुनने को मिलता था वो मैं करता था। तो इंटरव्यू के टाइम पर भी मैंने स्टेट की, मतलब जीके के रिलेटेड मैराथॉन्स लगाए हैं ईयरपॉड्स पे, चाहे वो दिल्ली से अम्बाला हो या फिर दिल्ली से पंचकुला जाना हो जम्मू एक्चुअल इंटरव्यू के लिए। तो वो भी मेरा प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है उसके जी, ऊपर, वीडियोस को ही अच्छा सुना। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने, मतलब जब आप इंटरव्यू देने गए थे वहां पे, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो हमसे शेयर करना चाहो? इंटरव्यू के टाइम पे तो मतलब हमें ब्रीफ करा गया था कि आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वहां पर, तो जी आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको अपना इंस्टीट्यूट नहीं बताना है, ना आपको अपनी जॉब जहाँ पर जॉब कर रहे हो वो बताना है। तो वो सब एक्सपेक्टेड था, काफी मतलब स्मूथ था, जैसा हमें बताया गया था सब कुछ काफी वेल मैनेज था। इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को नहीं आते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन ऐसे हो गए कि वो बैक टू बैक पूछे गए जो मेरे को नहीं आते थे। तो मेरा लगातार ऐसा आंसर बन गया कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। वो 3 4 क्वेश्चन जब बैक टू बैक आ गए तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया था, जी क्योंकि चलो आपको आंसर्स नहीं आते बट आपको लगातार 3 4 क्वेश्चंस के नहीं आ रहे हैं, तो आपके मन में लगता है कि पता नहीं पैनल क्या सोचेगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो उस टाइम पर मैं थोड़ा हो गया था, कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया था। तो बट मैंने अपने आप को थोड़ा काम रखा, जब मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है तो मैंने उसे अपने फेस पर ऑब्वियसली नहीं आने दिया। यूजली जब मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है मैं बहुत तेज तेज बोलने लग जाता हूँ, तो वो अपनी स्पीच पे मैंने थोड़ा वो मैंने मॉक्स में प्रैक्टिस कर लिया था कि अपनी स्पीच पे थोड़ा कंट्रोल रखना, तेज तेज नहीं बोलना है, जो मर्जी हो जाए उनको नहीं समझ आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो। तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोला। तो बाकी जो उनके क्वेश्चन थे तो काफी कॉर्डियल थे, देवर वेरी आई वुड से देवर वेरी वेलकमिंग, इवन इफ व्हेन आई वाज नॉट एबल टू आंसर सम ऑफ देयर क्वेश्चंस, दे डिड नॉट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर कि भाई इसको तो कुछ नहीं। दे वर वेरी काम, दे वर वेरी कॉर्डियल, एंड जो आप बता रहे थे वो उससे ही आपके अगले क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट आस्किंग एनीथिंग अंडर द स्काई, जो आप उनको बारे में बता रहे थे कि आप कि क्या हॉबीज हैं आपका, जैसे मैंने उन्हें बताया कि मैंने मास्टर्स कर लिया कॉमर्स से, तो दे वर आस्किंग कि डब्ल्यूटीओ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड हरियाणा से उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर एचसीएस। तो ऐसा नहीं था कि दे वर आस्किंग एनीथिंग काउंटर दिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन थे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर आंसर, जो जो आप बता रहे थे उसी से क्वेश्चन निकाल। जी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आने वाले एस्पिरेंट्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे? देखिए मेरा मैसेज 2 टाइप्स के एस्पिरेंट्स को है, 3 टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के। चलो एक तो वो एस्पिरेंट जो शुरू में मेरे ऐसा था, जिसने 3 4 साल कुछ नहीं करा, जो फ्री आंसर लिखता था क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी, ठीक है घर वालों से कितने पैसे मांगोगे, हर भी एस्पिरेंट उस फेस से रिलेट कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो एचसीएस का हो। आई वुड से कि डेवलप अ हेल्दी स्टडी सर्कल, मेरा स्टडी सर्कल काफी हेल्दी था, काफी उसमें सिंसियर एस्पिरेंट्स रहे हैं, अभी भी हम टच में एक दूसरे के साथ प्रिपरेशन के। तो डेवलप अ गुड स्टडी सर्कल, यूजुअली क्या होता है एस्पिरेंट्स एक स्टेज पर आके, मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था तो लाइब्रेरी में हर टाइप का बच्चा आता है, एक वो बच्चा आता है जो पढ़ना चाहता है और पढ़ता है, एक वो बच्चा आता है जो दिखाता है वो पढ़ रहा है बट वो पढ़ता नहीं है। तो आपको अपना स्टडी सर्कल बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा, आप भटक नहीं सकते हो।
ये जर्नी बहुत लंबी है, आपको इसमें 1 साल लग सकता है, आपको इसमें 4 साल लग सकते हैं, तो बी वेरी वाइज व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर स्टडी सर्कल। और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टडी सर्कल ठीक नहीं है तो स्टेप आउट ऑफ इट, आपको वहां से स्टेप आउट करना पड़ेगा। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो फ्यूचर के, यू नीड टू टेक गुड डिसीजंस फॉर योर लाइफ। इन द एंड आपकी फैमिली का पैसा इन्वॉल्व है, आपका फ्यूचर इन्वॉल्व है, टू बी बोल्ड इन योर डिसीजन। दूसरे मेरे एस्पिरेंट्स वो होंगे जो डिफरेंटली एबल्ड है, जिनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंटली एबल्ड एस्पिरेंट्स को व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक परसेप्शन, तो व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर हेल्थ एज वेल एज प्रिपरेशन। तो जो डिफरेंटली एबल्ड एस्पिरेंट होता है वो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ इतनी नहीं होती है सक्षम योर नॉर्मल एस्पिरेंट्स, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये बाकी एस्पिरेंट्स की भी जाता है, डिफरेंटली एबल एस्पिरेंट्स पे स्पेशली जाता है, कि आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूज करना है। ये मैं शुरू से कहता हूँ, ये मैंने अपने उसमें भी कहा था एक्चुअली इंटरव्यू में, कि जो डिफरेंटली एबल एस्पिरेंट होता है वो शुरू से ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है, क्योंकि तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करती है। तो जितने भी डिफरेंटली एबल्ड एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यह समझना है कि वो किसी से कम नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत सारे एस्पिरेंट से एज रखते हैं, क्योंकि तो उन्हें शुरू से ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने की आदत है, वो अपने आप को ढाल चुके हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, कैसे उन्हें अपना आउटपुट मैक्सिमम देना है। सो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उन सब एस्पिरेंट्स से जिनके पास सब कुछ, जो उनको डिनर टेबल पे मिल रहा है, जिनके पास हर चीज एक्सेसिबल है, आप उनसे मानक एक्सेसिबिलिटी में पीछे हो, बट आप उनसे बेटर हो व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ विल पावर, व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ मोटिवेशनल सिस्टम। सो नेवर एवर कंसीडर योरसेल्फ टू बी लेसर देन एनी अदर एस्पिरेंट। जी तीसरे एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, मेरे को उनसे भी एक मैसेज मैंने उन्हें देना है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी छूट गई आपकी जॉब की वजह से, उस दिन आप बहुत सारे एस्पिरेंट से पीछे हो जाओगे। आपको उन सारे एस्पिरेंट से कम्पीट करना है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो 8-8 घंटे तैयारी कर रहे हैं, आपको उन सारे एस्पिरेंट से भी कम्पीट करना है जो ऑलरेडी सर्विस में है, जो बेटर कार्डर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, आपको उन सारे एस्पिरेंट से भी कंपीट करना है जो पिछले 4-4 5-5 साल से तैयारी कर। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, आपको अपनी जॉब के साथ चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं। आप चाहे मेरी तरह एयरपॉड लगा के चलते फिरते रहो, मैं तो चलता, मेरे तो कान में एयरपॉड नहीं लगता है, परमानेंटली मेरा वो कान का हिस्सा बन चुका है, तो जब मैं जॉब करनी होती है मेरी एयरपॉड मुझे लगा रहता है, कुछ ना कुछ सुनना होता है। लंच ब्रेक में मैं पढ़ता हूँ, मैं सुबह ऑफिस उठने से पहले कोशिश करता हूँ पढ़ूँ, ऑफिस आने से पहले, शाम को ऑफिस आने के बाद करता हूँ ट्राई पढ़ने की। सो यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी छूटी उस दिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली गिर जाती है, कोई भी एग्जाम। दिस इज माई मैसेज टू द एस्पिरेंट्स। थैंक यू राहुल जी। आपने अपना सबसे सबसे बड़ी बड़ी बात है कि इतनी मोटिवेशन इस वीडियोस में है, जो वीडियो आज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, कि कोई भी बंदा अगर देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीख सकता है, अपने आप को सुधार सकता है, एक मोटिवेशन मिल सकती है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। खुद मुझे भी मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू, एंड हमें टाइम देने के लिए थैंक यू, एंड एंड यस मैं अभिमन्यु आयस का भी थैंक यू करना चाहूंगा, जी थैंक यू। स्पेसिफिकली मुझे याद है जो मैंने मुझे जैसे मैंने बताया, मुझे एक ही ऑफलाइन मिला था मॉक उन इंस्टीट्यूट से जिनसे मैंने मेंस की थी, तो मैं वहां पे गया था ऑफलाइन लगाने। ऑनलाइन अभिमन्यु आयस पे मैंने रजिस्टर करा था, जी मुझे उन सर का नाम नहीं पता जिन्होंने मेरा मॉक लिया था, बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, वो सर बहुत पॉजिटिव थे, एंड मुझे अभी भी उनके बाद याद है कि ब्यूरोक्रेसी का लॉस होगा अगर वो आपको सिलेक्ट नहीं करती है। तो जी वो सर के वर्ड्स मेरे को काफी मोटिवेट करे, कि उस टाइम पे एक एस्पिरेंट काफी पैनिक मोड में होता है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि डेज बहुत कम थे, जी ऊपर से आपको इतने कम दिनों में जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना, तो
एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता रहे तो काफी अच्छा रहता है। जी बट जो सर के वर्ड्स थे वो मेरे को आज भी बैठे बैठे कभी कभी मेरे ऐसे दिमाग में आते हैं, तो अच्छा लगता है कि कोई आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है इतने टेंस माहौल में। क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत टेंस था, मुझे पता था कि मेरे कुछ वीक पॉइंट्स हैं, मैं एक्चुअल डेटा रिकॉल नहीं कर पाता, ये जॉब भी मैनेज करनी है, मेरे को अपनी हेल्थ भी मैनेज करनी है, मुझे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी देखना है, मुझे वो 3 घंटे ट्रैवल भी करना है। तो अभिमन्यु आयस ने मतलब एक काफी वेलकमिंग एटमोसफेयर क्रिएट करा अपने जितने भी एस्पिरेंट्स जो उन्होंने मॉक के लिए अपियर करा, एक अच्छा फीडबैक दिया, एक काफी प्रोफेशनली मॉक को कंडक्ट करा। तो थैंक यू अभिमन्यु आयस फॉर दैट, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, और मुलाकात बातें होती रहेंगी, और फिर से एक बार पूरे अभिमन्यु टीम की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।